अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग CSS की 2017 की जो जनरल साइंस एबिलिटी क्वेश्चन पेपर है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट को करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए पार्ट है हमारे पास उसमें हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं दोस्तों। सपोज़ हम लोग यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, अ मैन बाइज 5 किलोग्राम ऑफ मीट एट RS 500। कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम मीट लेता है कितने पे, 500 रुपये पे 1 किलोग्राम। इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ परचेज ईएस टू पे अ कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6%। टैक्स इस पर वो दे रहा है, हर किलोग्राम पर वो टैक्स देता है 6% ऑन द सेलिंग प्राइस पर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ई हैज़ टू पे। अब हमें क्या करना है, टोटल पैसे काउंट करना है कि उसने कितना यहाँ पर जो वो टैक्स दे रहा है टैक्स के साथ वो कितना पैसे देता है। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखते हैं प्राइस पर किलोग्राम इज इक्वल टू, प्राइस पर किलोग्राम कितना है दोस्तों, 500 है। एक किलोग्राम के लिए 500 रुपये पे करता है टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है दोस्तों, टैक्स रेट हमारे पास 6% है। टैक्स रेट हमारे पास 6% है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 500 के साथ टैक्स है वो हम लोग मालूम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टैक्स अमाउंट पर किलोग्राम, टैक्स अमाउंट पर किलोग्राम, टैक्स अमाउंट पर किलोग्राम और फसल से क्या है, 500 ऑफ 6%। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 500 ऑफ 6% के बाद हम लोग इज इक्वल लगाते हैं 500 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6%, इट मीन्स 100 में से 6, तो इट मीन्स 6% इस तरह। तो दोस्तों यहाँ से ये ज़ीरो इस ज़ीरो को ख़त्म करता है, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो मर गया, बच गया क्या दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास रह गए। तो हम लोग लिखते हैं 5 को 6 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 30। हमारे पास आंसर इसका क्या आ रहा है, 30। इट मीन्स 1 किलोग्राम पर जो 500 रुपये वो पे करता है इसके अलावा 30 रुपये टैक्स भी अदा करता है, यानी यहाँ पर 1 किलोग्राम पर वो 30 रुपये टैक्स देता है। तो 5 किलोग्राम पर कितना टैक्स देता है हमें वो मालूम करना है दोस्तों। ये हमारे पास 1 किलोग्राम पर आ गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये नोट कर लिया ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अच्छा यहाँ पर दोस्तों 30 रुपये 1 किलोग्राम पर टैक्स दे रहा है तो हम लोग 500 में 30 ऐड करेंगे क्या बनेंगे, क्योंकि 1 किलो पर उतना ही देगा। फिर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स प्लस पर किलोग्राम, टैक्स प्लस पर किलोग्राम हमारे पास क्या है दोस्तों, टैक्स हमारे पास है 30 प्लस 1 किलोग्राम के लिए क्या दे रहे हैं, 500। अब हम इनको अगर जमा कर रहे तो हमारे पास आ रहा है 530, 500 में 30 ऐड कर दे तो हमारे पास आ रहा है 530। उसके बाद हम लोग दोस्तों टोटल अमाउंट मालूम करेंगे, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट ऑफ 5 किलोग्राम प्लस टैक्स, टोटल अमाउंट ऑफ 5 किलोग्राम प्लस टैक्स। 5 किलोग्राम दोस्तों, 1 किलोग्राम के लिए 500 देता है, तो इसको यहाँ से लिखते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं। 1 किलोग्राम के लिए 500 देता है, तो यहाँ पर 500 लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या क्या कहता है हमें, 5 किलोग्राम लेता है, तो मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से, बीच में क्या लगाओ, प्लस। टोटल अमाउंट ऑफ 5 किलोग्राम प्लस टैक्स, प्लस लगा दो। अब 1 किलोग्राम के लिए कितना टैक्स देता है, जो कि हमने मालूम किया था 30, तो यहाँ पर 30 लिख दो। 5 किलोग्राम के लिए कितना टैक्स देता है, तो मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से। उसके बाद दोस्तों 500 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2500। बीच में प्लस है तो प्लस पुट कर दो। 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 0 0 5 3 15, ये हमारे पास 150 आ रहा है। अब 2500 प्लस 150 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, 2650 रुपए वो देता है, जिसके बारे में कहता है, यानी एक आदमी लेता है, तो वो कितना दे रहा है दोस्तों, टैक्स के साथ कितना पैसे दे रहा है, 2650। इट मीन्स 2500 का सिर्फ वो क्या करता है, गोश्त लेता है, 2500 का सिर्फ वो गोश्त लेता है, फिर प्लस 150 वो इजाफी टैक्स देता है, 6% टैक्स देता है। 25 से हम लोग जब 150 यानी 25 का हम लोग जब परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 150 यानी टैक्स इसको इजाफी देता है। तो दोस्तों ये था 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए, इसको हम लोगों ने सोल्व कर दिया। इसी तरह और भी इसके बाद दूसरा इसका पार्ट लाएंगे, पार्ट बी लाएंगे, इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्सल करेंगे और 2017 की पेपर पूरा करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे 2018 में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक छोटा सा काम जो कि आप लोगों का है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, मैथ वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए या नहीं आए। अगर आप लोगों को समझ आ गए तो इस क्वेश्चन को हल करके हमें कमेंट में आंसर बता दे। सपोज़ यहाँ पर पहले दिया हुआ था 5 किलोग्राम, यानी वो 5 किलोग्राम क्या करता है, गोश्त ख़रीदता है 500 रुपये पर। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 किलोग्राम ले लेता है, 500 को मैं चेंज कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू को मैं करता हूँ 400। अब 6% के बजाय मैं यहाँ पर लिख लूँगा कितनी परसेंटेज, 4% वो टैक्स इजाफी देता है। तो टोटल अमाउंट मालूम करके हमें कमेंट में बता दे, टोटल अमाउंट मालूम करके कि वो टैक्स के साथ कितना, मतलब टोटल कितना पैसे दे रहा है, वो सारा मालूम करके हमें कमेंट में बता दे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।